फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। द लाइफ प्लैटर चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज है एक नया दिन, और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, मतलब एग्जाम देके यहाँ पे वापस घर आई हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितने दिनों बाद मैं घर आई हूँ। कितने दिनों से मैं मम्मी से नहीं मिली हूँ। जब मैं हॉस्टल में थी ना, मास्टर्स मतलब पीजी जब मैं कर रही थी, उस समय मुझे ऐसा लगता था, जबकि तब भी मैं हर महीने में फुदक के आ जाती थी, 2 दिन का भी छुट्टी होता था आ जाती थी। मान लीजिए अगर सैटरडे संडे तो ऐसे ही कभी कभी, संडे तो छुट्टी, सैटरडे को भी कभी कभी उतना क्लास नहीं हो पाता था। और फ्राइडे को अगर कोई ओकेजन हो गया, गुरुवार का क्लास मिस कर दिए, गुरुवार को रात को निकल गए और सीधा आ गए इधर, और आज जाते थे फिर वही 2-3 दिन का छुट्टी। वहाँ से टीचर लोग प्रोफेसर लोग कॉल करते थे मम्मी को, स्तुति आशीलानी क्लास को कौन है जी? मम्मी बोलती वो मेरे पास है यहाँ पे, है ना मम्मी, याद है तुमको? ऐसा मतलब मैं पहली बार सुन रही हूँ कि पीजी स्टूडेंट लोगों के भी प्रोफेसर तागादा करते कि लोग क्लास नहीं कर रहे, जबकि पीजी में सब मतलब जवान जवान बड़े एडल्ट्स हो जाते हैं, उतना कोई ध्यान नहीं देता, करो करो, नहीं करना है मत करो, प्रोफेसर लोगों को भी मतलब नहीं रहता। लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी इतना अच्छा था कि वहाँ पर पढ़ाई हम लोगों के लिए मैंडेटरी था, करना ही पड़ेगा, क्लास करना ही पड़ेगा, ऐसा था। चलो दैट्स अपार्ट, लेकिन मैं यहाँ आके ना मैं बहुत खुश खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि বহুত মানে অনেক দিন পরে কিছু যেন একটা পেয়েছি আবার নতুন করে আমার মাকে। তুমি মামাই করো तो मामा अच्छे तो मामा ही ना करवो। एक बार मैंने बोला था फ्रेंड्स, पता है कि जो भी बोलो मम्मी, माँ तो माँ ही होती है। मम्मी बोली, मैंने कब बोला माँ बाप होती है? मम्मी मम्मी सुबह से मुझे दिमाग खराब करके रख देती है, खाली मम्मी ए मम्मी वो है, मैं सुन भी नहीं रही हूँ, वो अपने बके जा रही है। नहीं, वहाँ से आने के बाद जो जो इतना दिन में नहीं थी, क्या क्या हुआ, तो सारा खबर मेरे को देना है ना यार, एकदम 1 से लेके 100 तक। उसको भूल भी जाती है तो नींद से उठ के, मम्मी ये मेला मैंने तुमको बोला था? अल्लाह, नहीं बोली थी, कभी कभी नहीं बोली थी, लेकिन मैं बोल देती हूँ, हाँ तुम बोली थी, तो फिर जाके करो, हाँ फिर नहीं, मैंने तुमको नहीं बोली थी, तुम सुनो, मतलब हर एक खबर, मतलब क्या बोलो। अभी देखिए उम्र उसका पता है सब कोई को, इस उम्र में लड़की छुपाती है हर चीज़, है कि नहीं? अपना एक उनका लाइफ होता है, अपना एक चारों तरफ का उनका सराउंडिंग होता है, तो लड़कियां छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसका कोई भी बात पेट में पछता नहीं है। अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा, फिर सबका ये कॉम्प्लीमेंट है क्या मेरे लिए? मुझे एकदम बताना उसको जरूरी है, मैं सुनना आजकल अच्छा नहीं लगता है, बचपन में अच्छा लगता था, अभी और इरिटेट हो जाती है ना। मेरी मम्मी खुद मेरे को बच्चे से बोल रही, बचपन से ऐसा मोल्ड किया ना कि मेरे पेट में कुछ भी ना रहे, वो ऐसे ही किए मेरे को। स्कूल से आती थी, क्यों अच्छे चुमा, क्यों अच्छे अच्छे बोलो, सब बोलती, तो आज भी वो आदत मुझे रह गया। 8, 9, 10 जो उम्र होता है तब बच्चे स्ट्रीट डॉग होते हैं, तभी क्या होना, क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। बस फ्रेंडली होते होते मैं इतना फ्रेंडली हो गया कि उसका कुछ फ्रेंड ही नहीं बना। ये सच है दोस्तों, उसका कुछ फ्रेंड नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, जो है पढ़ाई रिलेटेड कुछ माने एक आध है, का अपना पढ़ाई के रिलेटेड वो बातचीत करती है, लेकिन एक जो एक बेस्ट फ्रेंड जो होता है, वो है हर एक का लाइफ में, जो बेस्ट फ्रेंड होता है सबसे सुख दुख सैकड़ों में। क्या बनाने वाली थी, चाय? हम लोग स्पेशल चाय बनाने वाले थे, लेकिन हम खुद ही भूल गए वो सब चीज जो मैं लाई थी बनाने के लिए, फ्रिज में रख दिया, और एज यूजुअल जैसे मैं चाय बनाती हूँ वैसे बना के मैं पी गई, और 2 कप बनाया था, और 1 कप तो मेरा चला के मैं कपड़ा सुखाने गई, उसमें पूरा सूख गया, कटोरी भी जल गया, उतार दिया हूँ, बस चाय का पार्ट खत्म हो गया मेरा, दिया है अभी कुकिंग चालू, बस हुआ थोड़ा वीडियो ऑन किया तो मैं भी सोचा आके थोड़ा सा आप सबसे बात कर लूँ, उसके बाद तो दिन भर मेरा तो बकबक लगे रहेगा, हुआ का बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, तो वो सब वो खत्म करेगी, वो अपना काम में लग जाएगी, मैं अपना काम में लग जाऊंगी, बस मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद आपसे, मम्मी मिलेगी आपसे, अभी उनका चलता रहेगा, आप नहीं, आप सब कहीं नहीं जाइएगा, हम जाके फिर आते हैं। हो गया है, अभी बज रहे हैं, लंच बहुत देर पहले ही हो गया था, अभी बज रहे हैं 3:30। तो फ्रेंड्स एक जगह जाना है, तो उसके लिए रेडी हो रहे हैं। कहाँ जाना है, अब जाना है कि थोड़ी देर बाद? अच्छा 1 घंटे बाद जाना है। मम्मी मेरे को बोलती है तुम पहले से रेडी होते रहो, क्योंकि तुमको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं रेडी होने लगती हूँ, उसके बाद मम्मी फिर रेडी होगी तो हम लोग निकलेंगे। इवनिंग में एक जगह जा रहे हैं बहुत दिनों बाद, मतलब मैं जा रही हूँ बहुत दिनों बाद एक स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए। पापा से मिलने आई हूँ, पापा के लिए गुपचुप लाई थी, पापा भी बहुत चाव से खा रही है, मुझे बहुत दिन पहले बोली थी कि मेरे लिए गुपचुप लाना, और एक बड़ा दाल का बड़ा, देखिए थोड़ा सा 2-3 चम्मच खट्टा पानी मैं दी, टू खाने ये देखो हमारे
আর খাবে না ও খাবে খাবে না ও তুমি খাও তিন আর দুটো আর আমি একটা খেয়ে নিচ্ছি আচ্ছা রেখে থাক আমার পরে খাবে পারবে পারবে এ দিয়ে খারি আচ্ছা তুই রেখে থাক দাদুর আবার পরে মন হবে দাদু খাবে আবার জল খেয়ে না তুমি খেয়ে নাও তারপর আমাকে দাও সেটা শুধু ওদিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওদিক দিয়ে কর दुकान में आई है बहुत महीनों बाद लेकिन जो चीज़ के लिए आई है वो चीज़ उसको नहीं मिल रहा है ना नहीं मिल रहा मुँह लटका हुआ है देखिए मैं अच्छी अच्छी में जमा कर सकते मतलब एक ड्रेस जो है उसके साथ इयर रिंग्स ही नहीं मिल रहा मुझे कितना ढूंढ रहे हैं एकदम चौक में हम लोग खड़े हैं अभी मो बस के लिए और तो सब पार हो रहा है लेकिन हम लोग मो बस में जाएंगे इस सेक्टर और ये देखिए पहला भर के बाजार मेरे पास ये तो फूल खरीदी है तो फिर नेल पॉलिश भी खरीदी अभी हम लोग मंदिर के सामने हनुमान जी मंदिर के सामने खड़े वो देखिए भगवान जी हमारे कैमरा में कितना छा रहे हैं भगवान जी को नमस्ते हो गया टीप लगाया मैंने टेढ़ा हो गया थोड़ा अभी वो ऐप में देखे बस अभी डी सेक्टर क्रॉस कर रहा है अभी दो मिनट में पहुँच जाएगा आज घूमना शॉपिंग सब्जी बाजार दादू को देखना सब हो गया देखना सब हो गया भगवान से मिलना हाँ बोले मम्मी 10 मिनट में मो बस आएगा उसी में जाएंगे ऑटो को मत रुकवाना ना ठीक है चलो मो बस में जाते हैं मो बस में जाने का नहीं गाला एक साथ में रहता है दोनों को कि मैंने फिर मैं गई दौड़ के फिर से मैं गाढ़ा करके लगा के आई मुझे भी लगा उधर मुँह बस आ रहा है मुझे भी बिंदी लगा दिया देखिए अरे बाप रे मेरा तो पूरा एकदम चांद खिल रहा है जैसे कपाल में देखिए वो देखिए मुँह बस आ रहा है वो देखिए यहीं पे आके रुकेगा इसलिए हम लोग यहीं खड़े हैं बैठ गए ये नॉन एसी वाला बस है मुझे लगा शायद एसी वाला होगा मैं भूल गई थी मैं देखी नहीं थी नंबर और जो भी है बस में चढ़ना अच्छा लगता है तो पेपर करती हूँ अभी गिर जाऊँगी ये हिल गई पूरा कि मैं गिर जाऊँगी मुझे आदत है कोचिंग जाती थी ना मुझे आदत है फ्रेंड्स बस मुँह हाथ धो लिए बिंदी को रहने देते अच्छा लग रहा है भगवान का बिंदी माथे पे चढ़ा है अपने से जब तक नहीं पूछेगा मैं नहीं पूछूंगी टुआ भी फ्रेश हो रही है मतलब वही मुँह धो रही है बाहर से आए हैं तो हाथ पैर मुँह धो रही है
मैं क्या क्या लाई, चलिए बाजार करके मैं दिखाती हूँ। ये हो गया एरा रूट, ये हो गया चिकन, ये हो गया चिकन, और इसमें है आलू प्याज और कच्चा मिर्चा जो एकदम नहीं था। प्याज 60 रुपया किलो, हम सोचे कुछ कम होगा अभी बहुत दिनों के बाद, तो 60 रुपया दे के मैंने ये फर्स्ट टाइम ख़रीदा है। पहले जो दाम कम था मैं उस वही वाला प्याज मेरे पास था, क्योंकि टुआ नहीं था तो मेरा रसोई पूरा बंद था, टुआ नहीं थी तो मेरा रसोई एकदम बंद था, तो आधा प्याज आलू वगैरह खर्चा ही नहीं हो रहा था, तो पुराना प्याज से आज तक मेरा चला, और कल के लिए बिल्कुल नहीं था, एक प्याज सिर्फ था मेरा छुरी में। तो अभी सारा चीज़ लेके मैं आ गई, इसी सेक्टर में उतरी थी, वहाँ एक भाभी से मिला, सुबह विजया किए हम लोग, जिनके पास गए थे वो नहीं मिला, बगल वाले भाभी से हम लोग मिल के आए, इस सेक्टर में आए, मार्केटिंग किए सारा चीज़ जो जो नहीं था। टुआ एक फूल का माला खरीदी, उसका भी फूल लगाने का चस्का बहुत हो गया ना, ट्रेन वो वहाँ से लास्ट दिन जब जन आ रही थी वीडियो में देखिएगा, माथे पे फूल लगाई थी, पूरा साउथ इंडिया लग रही थी, पूरा फूल लगा के बस वही जो लगाई थी उसका चस्का लग गया, फिर यहाँ सेक्टर में फूल दुकान में खड़ी हो गई। तो मैंने सोचा पूजा के लिए, इतना तो भक्ति है नहीं कि पूजा के लिए फूल खरीदेगी, तो नहीं वो माथे पे लगाएगी फूल। तो वही एक स्ट्रिप जो है रजनीगंधा का एक स्ट्रिप लिया है, कल लगाएगी, उसका भी सजने संवारने का ना बहुत शौक हो रहा है। चूड़ी देखी, फिर कान का झुमका देखी, बल्कि इसको मिला नहीं जैसे उसको चाहिए था, वो मिला नहीं। फिर मेहंदी ना, फिर उसको मेहंदी, उसको मेहंदी पहनना भी है, फिर कल नेल पॉलिश पहनी थी, नेल पॉलिश का किस्सा मैं आपको बताती हूँ। कल नेल आर्ट लेके बैठी थी, सारा उसका पिटारा खोल के बैठी थी, इतना सारा नेल पॉलिश दिखाया, नेल आर्ट भी की थी, लेकिन लास्ट में सारा उसको पोस दिया, डिलीट कर दिया, दोबारा से फिर एक कलर लगाई। माँ तो ऐसे करो ना, कल तो लगे उसको रहने दो ना, इतना देखिए कल ही लगाया आज ही पोछ रही है, ऐसा करके बर्बाद करती है। अच्छा कल वाला तो दिखा दो, देखिए कल का कितना अच्छा, जो नेल आर्ट किया था वो वाला रहने दो, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है तुम कल लगाना ना, आज रात आज रहने दो ना, आज रात भर में क्या हो जाएगा, नहीं मुझे अच्छा वो कलर क्या कलर खरीदे, ये कलर खरीद के लाई, ये कलर तुम देखा है एक बार था ना, देखना मेरे तो हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, आपको ये साफ था मेरे पास, और इसको कल लगाई थी, इसको उठा रही है अभी, देखिए आज कलर अच्छा लग रहा था लेकिन उठा बाद में पहन देंगे, अच्छा अभी इसको पहनेगी। अच्छा ये पसंद ही मिला भाभी, एक भाभी से जो भाभी से मिल के आए और हम तिरुपति बालाजी घूम के आए, तो ये मुझे पसंद ही मुझे दिया, और अभी अभी मुझे कुकिंग करना है। आँख का काजल फैल गया, नहीं फैला नहीं है, देख तो टुआ फैला है, आँख का काजल नहीं फैला ना, नहीं फैला है, तो बिहारी बिहारी लग रहा है ना ये वाला सीन, मतलब टिप जो लगाए है बजरंगबली का यही कलर, यही कलर होता है मालूम है, बिहारी लोग भी मतलब यही कलर के ना सिंदूर पहनते हैं, प्रिया प्रिया भी कल पहनी थी यही वाला सिंदूर। तो अभी मुझे कुकिंग करना है, कुकिंग में क्या बनेगा, फिर से मुझे चावल बनाना है, चिकन और नहीं तो क्या, चिकन पकौड़ा बनेगा गाइस, क्योंकि वो तरस गई है, वहाँ नॉनवेज तो नहीं खाई है, वेज खा के आई, सारा उसका सब जो साथ में थे जो ट्रेन लोग वो लोगों का सब भेज, सब भेज वो लोग खाने वाले, तो रिचुअल और एक जन नहीं, एक जन प्योर भेज है, वो कभी नॉनवेज नहीं खाते, और एक जो है उनका कुमार पूर्णिमा है, इसीलिए तो इसी वजह से उसको भी उसे मतलब सबको थे तो उतना नहीं हम ये किए, तो अभी आज तो कल बुधवार भी चले गया, मैं कुछ बना ही नहीं, आप लोग देखे, फिर आज गुरुवार है चले जा रहा, तो मैं लेके आ गई, तो बोला मम्मी कल बनाने के लिए, एक्चुअली कल लंच में चिकन बनाती, तो मैं जब मार्केट में गई तो मैं लेके आ गई, फ्रिज में रख दूंगी, फिर कल कौन जाएगा ना पैसा खर्चा करके भाड़ा देके, फिर बस चिकन खरीदने से। तो अभी बोल रहा माँ थोड़ा तो चिकन पकौड़ा नहीं बनेगा अभी रात के लिए, बस बना दूंगी और क्या, उसका फरमाइश मैं कभी चालती नहीं हूँ, जितना हो सके मैं करके पूरा करती हूँ उसका फरमाइश। प्लेन राइस आलू चोखा सिर्फ मिर्चा और नमक के साथ मैश किया हुआ, ये है और शायद थोड़ा सा सरसों तेल, और ये है मसूर दाल, और ये है चिकन पकोड़ा विथ सॉस। तो
तो ये है आज का हमारा डिनर मेन्यू। मम्मी के पास भी वैसे है, मैं यहाँ पे मेरा और मम्मी का दोनों का पकौड़ा रखा हुआ है। मॉर्निंग, तो आज है फिर नेक्स्ट डे, और कल रात को तो वहाँ से आए थे, चिकन लेके आए थे, तो रात को कल चिकन पकोड़ा और वो चावल दाल आलू चोखा, बहुत अच्छा डिनर हुआ ना। उसके बाद हम दोनों फैल के सो गए और कुछ मन नहीं हुआ कि ब्लॉग और कुछ शूट करें। रात को तो चिकन पकोड़ा हो गया था, मेन आइटम आज बनेगा। आज है फ्राइडे और आज बनेगा चिकन कौसा या चिकन करी और चावल, ये आज बनेगा दोपहर को। उसका प्रिपरेशन मम्मी बहुत देर पहले ही स्टार्ट कर चुकी है, अभी शायद बनाना स्टार्ट करेगी, बाहर थोड़ा वो गई है, वो बात कर रही है भाभी से। फ्रेंड्स, आज का लंच मेनू, कल लाई थी चिकन, रात को पकौड़ा हुआ, और आज चिकन थाली, प्लेन राइस, बैगन भुजिया, यह है धनिया पत्ता, टमाटर, लहसुन, मिर्चा दे के एक चटनी, जो मतलब ठंडा सीजन का ये फेवरेट चटनी है, और ये रहा सॉस टॉपर चिकन, ये विथ छिलका आलू देके, आलू का छिलका उतारा नहीं हूँ, टुआ का डिमांड था कि छिलका रख के तुम आलू काट करके चिकन में मिलाना, हॉस्टल स्टाइल ना, टुआ का हॉस्टल स्टाइल चिकन बना आज, चिकन करी। अभी दोपहर के 2:30 और खाना हमारा हो चुका है, चिकन तो बहुत डिलीशियस बना था आज। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, ब्लॉग अदरवाइज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल टाइम स्माइल।